जो सपना देखा था तेजस्वी ने बिग बॉस के घर में, वो सपना फाइनली हो गया कंप्लीट। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल डेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, किस बात का वेट कर रहे हो, धन धनाधन फॉलो करना अनिवार्य है। सो आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ एक जरूर इंपॉर्टेंट बात, जो कि जुड़ी हुई है तेजस्वी प्रकाश के इस बिग ड्रीम से, जो कि बिग पिक्चर के हीरो हैं। जी हाँ, रणवीर सिंह, जैसा कि हम सबको पता है रणवीर सिंह क्या अमेजिंग एक्टर हैं। उनकी फिल्में ले लीजिए, बाजीराव मस्तानी ले लीजिए, पद्मावत ले लीजिए, या फिर उनकी अपकमिंग फिल्म्स ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इस बात को लेकर। और ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि तेजस्वी प्रकाश, जो कि बिग बॉस के घर में रणवीर के कटआउट के साथ इश्क फरमाते हुए नजर आई थी, मतलब कि हग वग कर रही थी और रणवीर आई लव यू कुची पुची पू ये सब बोलते हुए नजर आई थी, वो चीज़ फाइनली दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि तेजस्वी की कंप्लीट हुई है। जी हाँ, रिसेंटली फेमिना अवार्ड्स होते हैं, मामा अर्थ फेमिना ब्यूटीफुल फेस 2022 अवार्ड्स, जिसमें कि तेजस्वी प्रकाश ने शिरकत किया था। और इसी शिरकत के दौरान रणवीर सिंह ने दोस्तों मतलब तेजस्वी का औहदा देखिए, रणवीर सिंह के जस्ट बगल वाली टेबल में वो बैठी हुई थी, मतलब कि ऐसे जो रोज लगी होती है ना, चेयर सॉरी टेबल ऐसे आगे लगा हुआ है और वो बैठी हुई है। सो इट्स लाइक यार, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो आज अगर आप गली मोहल्ले चप्पा चप्पा हर जगह जाके देख लीजिए, सब लोग यही कह रहे हैं तेजस्वी प्रकाश, तेजस्वी प्रकाश, तेजस्वी प्रकाश, तेजस्वी प्रकाश का जलवा है। किसी बड़ी बॉलीवुड अभिनेत्री को पॉपुलैरिटी में तेजस्वी यूं टक्कर दे रही है, मतलब कि इतना ट्रेंड तो आलिया भट्ट का नहीं चला था, उनकी फिल्म आई थी गंगूबाई, वही उससे ज्यादा ट्रेंड जो है ये इसका तेजस्वी का चल गया, जब तेजस्वी ने एक कार खरीदी। कैन यू जस्ट बिलीव दैट। तो ऐसे में दोस्तों तेजस्वी प्रकाश का जलवा है, बाकी सारे हलवा हैं ऐसा लग रहा है। खैर वैसे बिग बॉस का घर ही ऐसा है, वहाँ पे सफलता ही ऐसी मिलती है, इंस्टेंट मिलती है, जहाँ पे रातों रात सक्सेस पहुँच जाते हैं, लेकिन तेजस्वी ने उसके लिए बहुत मेहनत करी है और तेजस्वी का ये सपना पूरा हो गया। ये आपको कैसा लगा कॉमेंट कीजिए और बताइए। चलता हूँ मैं, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।